अगली खबर है दमोह से, जहां एक साथ 45 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही इन नोटिस में जवाब मांगा गया है, इतने सारे लोगों की ड्यूटी होने के बाद भी एक आरोपी कैसे भाग गया। दरअसल बीते महीने दमोह में एक बाल आश्रम का संचालन करने वाले ईसाई मिशनरी के संचालक डॉक्टर अजय लाल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिस रात डॉक्टर लाल पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसे दिन भर दमोह पुलिस की निगरानी में रखा गया था। मतलब सुबह 10 बजे से लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। रात को डॉक्टर लाल अपने बंगले पर आए तो बड़ी संख्या में पुलिस उनके बंगले के परिसर में ही मौजूद थी और उन पर निगरानी रख रही थी। रात को डॉक्टर लाल पर जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर लाल जिस बंगले के अंदर थे वहां से वे गायब हो गए, यानी कि फरार हो गए। डॉक्टर लाल के फरार होने के बाद इस घटनाक्रम ने हड़कंप मचा दिया। दूसरे दिन डॉक्टर लाल ने जबलपुर हाईकोर्ट में उन पर दर्ज FIR को चुनौती दी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कुछ दिन पहले डॉक्टर अजय लाल के विदेश भागने की खबर उड़ी और अजय लाल ने खुद और जाने माने एडवोकेट और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के साथ वीडियो बयान जारी कर ये बताया कि वो भारत में ही हैं, विदेश नहीं भागे। मुझे आज बहुत खराब लगा, अजय लाल जी मेरे बाजू में खड़े हैं, इनको जो दिल्ली के वकील साहब हैं आदित्य जी मेरे पास लेके आए हैं, ये वेरी मच प्रेजेंट हैं और हाईकोर्ट में एक मिसस्टेटमेंट देके SP द्वारा AG ऑफिस के माध्यम से ये जो गलत स्टेटमेंट और गलत कार्रवाई नोटिस निकलवाया है, मैं इसको कंडेम करता हूं। मेरे ओपिनियन में दोनों पुलिस ऑफिसर्स को इस प्रकार की गलत जानकारी देके हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के को इन्वोक नहीं करना चाहिए और AG ऑफिस को भी वेरीफाई करना चाहिए क्या ये बात जो बोली जा रही है सच है, क्योंकि आप इस कोर्ट में जाके एक रॉन्ग स्टेटमेंट देके अननेसेसरी कोर्ट का टाइम और ज्यूरिसडिक्शन वेस्ट किया है। मुझे लगता है कि दिस अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इस प्रकार के कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को मिसयूज करके एक सिटीजन को भयभीत करना मेरे ओपिनियन में बहुत गलत बात है और इसको मैं कंडेम करता हूँ। इस मामले में हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से भी डॉक्टर लाल के अमेरिका जाने की सूचना दी गई थी, जिसे लेकर डॉक्टर लाल की तरफ से कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई और कोर्ट ने SP दमोह से जवाब मांगा है कि वो बताएं कि आखिर डॉक्टर लाल के विदेश जाने की सूचना का आधार क्या है। ये तमाम बातें चल ही रही है कि इस बीच दमोह SP ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डॉक्टर अजय लाल के पुलिस सुरक्षा में भागने के घटनाक्रम में 45 लोगों को नोटिस दिया है। SP श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मुताबिक उस रात 45 पुलिस अधिकारियों और स्टाफ की ड्यूटी अलग अलग भूमिकाओं में थी, उसके बाद भी डॉक्टर लाल घर से लापता हो गए। दरअसल पिछले महीने जो पुलिस की FIR के बाद अजय लाल जो है वो अपने घर से फरार हुए थे, वहाँ पर पुलिस के कुछ लोग ड्यूटी पर ऑलरेडी थे जो जिनको लगाया गया था नज़र रखने के लिए। उसके बाद ये एक लापरवाही प्रतीत हुई कि पुलिस के वहाँ होने के बावजूद वो कैसे वहाँ से फरार हो गए। उसी संबंध में हमने एक एडिशनल SP के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया था और उसमें जितने भी लोग ड्यूटी पर थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उसमें ये सभी लोग शामिल हैं जो उस समय वहाँ ड्यूटी पर थे या जिनकी क्षेत्र के हिसाब से ड्यूटी बनती है, तो उन सभी लोगों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया है। उनके जवाब आने पर उस जवाब को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आगे कोई कार्रवाई करनी है या उसमें कोई सजा देनी है। इसी संबंध में वो नोटिस जो है जारी किए गए। फिलहाल तमाम पहलुओं पर एडिशनल SP के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी जांच कर रही है। इन 45 लोगों से जवाब मांगे गए हैं।